हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन, वाचिंग फॉर सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 3.0 VT कार्ड। इसको हम कंप्लीट वीडियो आपको दिखाएंगे, इसका किस तरह से हम इसे होम थिएटर में, किसी भी कंपनी के होम थिएटर में इसे किस प्रकार से इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो हमने जो ये हमारा सबवूफर है होम थिएटर, ये देखेंगे दोस्तों, 3 नोब वाला है इसमें। आप भले ही कोई सा भी होम थिएटर हो, किसी भी होम थिएटर में इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। मास्टर वॉल्यूम, बीच में जो इसका बेस का वॉल्यूम दिया हुआ है, लास्ट में हमारा ट्रेबल का। तो दोस्तों देखिए, काफ़ी सस्ता छोटा सा ये कार्ड आता है, मात्र 5 वायर लगाने होते हैं हमें इसमें। तो दोस्तों देखिए, कीमत भी इसकी कोई ज़्यादा नहीं है, ध्यान रखना है आपको। ये देखिए दोस्तों, मात्र 5 प्रिंट कनेक्ट करने होते हैं दोस्तों, और वो भी इजीली, किसी तरह की आपको कटिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। आपका यदि होम थिएटर में ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होता है, ब्लूटूथ का सिस्टम नहीं है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले हमने जो हमें यहाँ पर जो इंडिकेटर के लिए 5 वोल्ट सप्लाई आई हुई है, उस पर हमने 5 वोल्ट के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वायर कनेक्ट कर दिए हैं दोस्तों, जिसको हमने जो हमारा ब्लूटूथ कार्ड है मिनी वाला, उस पर कनेक्ट किया हुआ है। ये रेड वाला है जो पॉजिटिव 5 वोल्ट, इसको पेस्ट लगा कर अच्छे से लगाएंगे दोस्तों, ताकि ये हटे नहीं। और जो इंडिकेटर की LED है, उस पर भी हमने इंडिकेटर के जो LED की सप्लाई के लिए 5 वोल्ट दिए हुए हैं, उसी पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों। ध्यान रखना है आपको हमेशा, कोई भी ब्लूटूथ कार्ड या इस टाइप का कोई भी कार्ड आता है, 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, ज़्यादा वोल्ट में आप लगाएंगे तो ख़राब हो जाता है। जो इसकी ऑडियो है उसको ध्यान रखना है दोस्तों, जो हमारा मास्टर वॉल्यूम है उसी पे कनेक्ट होता है, जहाँ पे मास्टर वॉल्यूम पे इनपुट ऑडियो जाती है। एक वायर हमारा ग्राउंड ग्राउंड पर कनेक्ट होगा, और दो वायर हैं हमारे जो ऑडियो आउटपुट के, इसके कार्ड के लेफ्ट राइट दोनों पे कनेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। काफ़ी इजी इंस्टॉल है, मात्र 5 मिनट का काम होता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है, आप इसको कहीं पे भी जरा सी जगह में रख सकते हैं, कोई भी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती आपको दोस्तों। काफ़ी समय बाद आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कोई ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है। ये देखिए दोस्तों, 3 वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहे हैं। हमने अपना कंप्लीट कनेक्शन कर चुके हैं दोस्तों। इस प्रकार से आपको कनेक्ट कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद इसे हम ऑन करके चेक करते हैं, ऑन हो चुका है दोस्तों, इंडिकेटर जल चुका है हमारा। ब्लूटूथ ऑन करते हैं, हमारे मोबाइल से कनेक्ट करके चेक करते हैं इसको दोस्तों। ये ब्लूटूथ ऑन हुआ, सर्च करेंगे दोस्तों, देखते हैं किस नाम से आता है ये। हमने जो आगे नाम लिखा है इसका, वो इसी में से देखकर आगे नाम डाला इसका, 3.0 VT, ये आ गया दोस्तों। इसी पर कनेक्ट होगा दोस्तों, ये
ये देखिए दोस्तों कनेक्ट हो चुका है। यूट्यूब ओपन करके हम कोई भी सॉन्ग चलाएंगे दोस्तों, देखिए काफ़ी अच्छी साउंड आ रही है, वॉल्यूम एडजस्ट हो रही है दोस्तों, देख सकते हैं आप। किसी तरह की कोई लीड वगैरह लगाई हुई नहीं है हमने। ये देखिए दोस्तों यही सॉन्ग इसमें इसी में कनेक्ट होकर चल रहा है, जो हमारा कार्ड है काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम चेक हो चुका है, तो अपने कार्ड को पैक करने के लिए जो पेपर टेप होती है या पीवीसी टेप भी ले सकते हैं दोस्तों, ताकि कोई वायर में शॉर्टिंग नहीं हो, इसलिए इसे सेव करके। तो दोस्तों आप पीवीसी टेप भी लगा सकते हो, या कहीं पे इसको एक छोटा सा पेच लगा के कहीं पे भी टाइट कर सकते हो अंदर ही इसको। बाकी हम ऐसा नहीं करेंगे, टेप से अच्छे से इसको पैक करके साइड में अंदर ही रख देंगे इसको। साइज़ दोस्तों काफ़ी छोटा है इसका, मात्र 15x15 mm का साइज़ है, समथिंग आधा इंची। दोस्तों पैकिंग हमने इसका कर दिया है अच्छे से, ये देखिए दोस्तों इधर ही इसको साइड में रख देते हैं दोस्तों हम, नहीं इधर से नहीं, थोड़ा अंदर की तरफ से, ये देखिए दोस्तों। अब इसको हम फिट कर देंगे, जो इसका पैनल है सामने का वूफर का, ये देखिए दोस्तों। इसके लिए हमें वूफर अंदर से खोलने की तक ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, ये प्रो मैक्स का काफ़ी अच्छे साउंड का जो वूफर आता है। दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, पैनल से वॉल्यूम एडजस्ट करके देख सकते हैं दोस्तों, वॉल्यूम कम ज़्यादा हो रहा है। देखिए दोस्तों ये बेस भी कम ज़्यादा हो गया इसका, ये देखिए दोस्तों बेस भी कम हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।